दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्टेस्ट न्यू ईयर विच आई फील, जी क्योंकि बिल्कुल मैं जाना चाहती थी पटनी टॉप। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हमें वक्त नहीं दिया जाता है, बिल्कुल कि ऑफ ऑफ आप शूट भी हम उतना ही करते हैं जितना हम ऑन स्क्रीन करते हैं। ऑन नहीं शूट नहीं मेरी एज उतनी भी छोटी नहीं है, बट हाँ 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। प्रोबेबली तो मेरे बच्चों को, जो मेरे फैंस जी, है, बट आई थिंक बालवीर के बाद मेरा ग्राफ बहुत ही अच्छा रहा था, मैं क्योंकि क्योंकि मैं ऐसी आ जाए, ओ ये चिल्ला रहा है, अच्छा वो स्पॉट ज्यादा, ये ले आना, अच्छा वो मेकअप ज्यादा, ये ठीक नहीं, बहुत ही कम ओशन। दोस्त है, और मैं बहुत ही रिजर्व अपार्ट फ्रॉम रहती दैट हूँ। आई या आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक आई एंड नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। नई नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा ऑल्सो लगता है। वेरी आई फूडी पर्सन, सो आई लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजीन्स एंड मेरे ऑल। जाते तो तो हमने हमने सबसे पहला मील ही हमारा राजमा चावल मेरे था। जाते तो दैट्स रियली लवली, दिस समथिंग आई हैव एक्सप्लोर्ड ओवर योर इन जम्मू। ना या तो मैं ऐसा, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कहीं चली जाती हूँ ट्रैवल के लिए। जितना मस्ती परी को समोसे पसंद है, उतने ही मुझे भी पसंद है रियल लाइफ में। ओ समोसे मैं अरे वाह भी खाऊंगी। तो उसे और किसी चीज से, दुनियादारी से कोई लेना नहीं, भले ही चाहे वो हस्बैंड उसका बड़ा रॉक स्टार है, ये वो कॉन्सर्ट्स होते ओ हैं, शिट, ये ऑलरेडी 7-8 साल शो चला है, सो इट इज ऑलरेडी अ ब्रांड ना शो। वो वो थोड़ा बहुत स्लाइट मेरे लिए चैलेंजिंग ज्यादा रहा यार, था। वी लेकिन ऑलवेज बी लाइक अ फैमिली, हम अपना खाना शेयर करते हैं, हम साथ में हंसते गाते हैं, हम रील्स बनाते हैं। किसी की भी जिंदगी में डिजायर्स कभी खत्म होने चाहिए, वरना तो फिर जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं डिजायर है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान सर। नहीं भाई, तो बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं जब आऊंगी तो मैं ज्यादा टाइम लेके आऊंगी। श्री आई होप मुझे कश्मीर भी देखने मिले, तो मुझे कश्मीर भी जाना है, सिंस श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग। आई हैड वर्क विद ताज, आई हैव वर्क विद इंडिगो एयरलाइंस, आई हैव वर्क विद द टॉप मोस्ट ट्रैवल एजेंसीज, बिकॉज है नहीं, लाइफ ने सब कुछ तो नहीं दिया, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो बिल्कुल मैं अभी नहीं बताऊंगी क्या है, बट वो जैसे जैसे पूरी होती जाएगी आई वुड बी पुटिंग अप कि नाउ दिस इज वन ऑफ माई लिस्ट, विश लिस्ट जो कम्प्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज राहुल खत्री एंड यू आर वॉचिंग द देखे पेजेस। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, और वो मेहमान इतने खास हैं, इनको आपने बहुत से चैनल्स पे देखा होगा, स्टार प्लस पे आपने देखा होगा, आपने बालवीर रिटर्न्स में देखा होगा, और ये मस्ती परी है, और मस्ती परी जम्मू आई हैं, पिछले 3-4 दिनों से जम्मू है, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए हैं, और आज हमें मौका मिला है मस्ती परी के साथ बैठकर थोड़ी सी मस्ती वाली बातें करने का। वेलकम टू जम्मू। सबसे पहले ये जानेंगे जम्मू, अगर आपको कैसा लगा, आपका 3-4 दिन का विजिट रहा, कैसा रहा यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ के लोग, जितना आपने मुंबई बैठ के सुना। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर यू नो इनवाइटिंग मी ओवर योर। और मैं जम्मू आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्टेस्ट न्यू ईयर विच आई फील, क्योंकि मैं आई हूँ जम्मू में, तो ये तो है ही सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो आई थी वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए, एंड प्लस यहाँ हमारा आना हुआ जम्मू में भी, बिकॉज़ आई हैव माई सर्टन फ्रेंड्स जो जम्मू से हैं, तो उनकी भी कंपनी मुझे थी जिन्होंने यहाँ सारी चीज़ें मेरे लिए यू नो दे हैड अरेंज्ड इट मी कमिंग बिफोर ओवर ईयर। सो उतना हेक्टिक नहीं रहा था, वरना अगर कोई रेयर आ जाए ऐसे सडनली इन जम्मू तो बहुत सारी यू नो दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली इन दीज टाइम्स। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड दानिश, यू कैन सी ही बिल्कुल, सिटिंग ओवर मतलब देयर। इनके यहाँ पर इनके जो दोस्त हैं, ये मुमकिन हो पाए इनके दोस्तों के कारण भी कि ये जम्मू आए हैं, और माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन भी किए, बुलावा आया था। आपसे एक चीज़ खास रहेगी, क्या कुछ चीज़ें अभी जम्मू में रह गई आपकी जो एक्सप्लोर करना बाकी थी? आई मीन यहाँ पर स्नोफॉल के लिए जाना जाता है, पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल, मैं जाना चाहती थी पटनी टॉप, पर वो रह गया है क्योंकि मेरी शूट डेट्स है, और मैंने ऑलरेडी मैं आज तो पहुंच जाने वाली थी, मेरी आज की फ़्लाइट थी, बट मैंने एक दिन एक्सटेंड किया था, और शूट एक दिन से ज़्यादा तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाती, तो मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया। बट लेट्स सी, अब पटनी टॉप रह गया है, प्लस मानसर लेक भी रह गया, जो हम आज जाने वाले थे, बट खैर बारिश पड़ी और थोड़े रास्ते भी दिक्कतदायक है तो हम नहीं जा पाए। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूँ तब आई वुड लाइक टू गो देयर। डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने किए हुए हैं, कितने चैलेंजिंग हो जाते हैं जब इस तरह वर्सटाइल ऑप्शंस के तौर पर आपको जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, कितने चैलेंजिंग हो जाते हैं खासतौर पर? चैलेंजिंग तो ऑफ कोर्स बहुत ही होता है, बिकॉज आई फील एक नेगेटिव किरदार करने में से आप स्विच ऑन कर जाते हो मस्ती परी, जैसे कि एकदम ही नटखट सा कैरेक्टर है, बहुत प्यारा और चुलबुला है, और फिर उसमें से वापस आप स्विच ओवर करते हो, जैसे कि जो राधिका थी साथ निभाना साथिया में, तो वो भी बहुत ही पहले पहले तो बहुत ही प्यारी सी है, बट कोई संजोग ऐसे हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी में कि उसे वो सिचुएशनली वो हो जाती है नेगेटिव,
तो वो जो सारे लेयर्स और एक शेड्स होते हैं हर किरदार के, यू नो स्किन में, वी नीड टू एंटर इनटू इट, वी नीड टू लर्न कि उसका टेक्सचर क्या है. बेसिकली हर एक अलग अलग हमें सिचुएशन दी जाती है. और प्लस टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हमें वक्त नहीं दिया जाता है कि आप ना ज़्यादा सोच सकते हो ना समझ सकते हो चीज़ों को. जितना आप डेफिनेटली पढ़ भाई, के, या यू जस्ट हैव टू डिलीवर इट राइट अवे विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर और मैक्सिमम 1 आवर, जो बहुत बहुत बड़े बड़े लाइन्स और लिख के आ जाता है. तो उसके लिए हमारी पहले से प्री प्रिपरेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ऑफ शूट भी हम उतना ही करते हैं जितना हम ऑन स्क्रीन करते हैं, ऑन शूट करते हैं. तो वो पहले पढ़कर सारी चीज़ें समझ के बैठ जाना पड़ता है कि भाई नहीं नहीं ये वाला सीन है, हमें इसमें ये डिलीवर करना है, यहाँ ये चीज़ें हैं. तो वो एक हर यू नो एक एसेंस होता है हर सीन का, वी नीड टू डिलीवर दैट. पब्लिक हॉलीडेज अगर काट दी जाएं या संडे की छुट्टी जो वो निकाल दी जाए, तो अभी 12-13 साल के आप सारे हो, तो इन 12-13 साल की अगर उम्र की बात करूं, इतना प्यार मिलना बल्क में, इतने फॉलोअर्स मिलने इस छोटी सी उम्र में, और साथ ही साथ किन लोगों को खासतौर पर थैंक यू करना चाहते हो जिनकी वजह से आप यहाँ पहुंचे हो? पहले तो मैं बता दूं, मैं 6 साल से ही हूँ इस इंडस्ट्री में. 12-13 तो नहीं हुए. नहीं, अभी की एज मैंने बताई कि आपकी 12-13 साल के लगते हैं वहां पर, अगर छुट्टी काट दी जाए तो। नहीं, मेरी एज उतनी भी छोटी नहीं है, बट हाँ 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. तो बहुत प्यार मिला है मुझे लोगों का. ऑफ कोर्स घर परिवार वालों का तो है ही, फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो तो है ही. पर सबसे ज़्यादा मेरा बड़ा थैंक यू रहेगा प्रोबेबली मेरे बच्चों को, जो मेरे फैंस है, स्पेशली जो मेरे लिए बहुत सारे फैन आर्ट्स बनाते हैं, जो मेरे फैन क्लब्स है, जो मेरे फैन पेजेस है. प्लस उन्होंने किया हुआ है मेरे लिए #Kruthians, जो इंस्टाग्राम पे हमारा चलता है ज़्यादा. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम. मैं कुछ नहीं थी, आई थिंक जब 4 सालों में मैंने 4 साल की जर्नी जो थी, बट आई थिंक बालवीर के बाद मेरा ग्राफ बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि उससे ही कैरेक्टर्स और प्लस मैं एज कृतिका देसाई बहुत फेमस हुई थी. कभी ऐसा लगा आपको कि जब आप अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लेते हो, तो अभी नींद हो, थोड़ा सपना आया हुआ है, तो आप अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल के कह रहे थे कि मैं इस समय खुश हूँ, इस तरह कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ऐसे किया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ क्या? एब्सोल्युटली बहुत बार हुआ है. कि सुबह शुरू किया और कैरेक्टर माइंड में है, सुबह वो डिलीवर कर रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल. रात को हमको नींद में सपनों में ऐसे ही आता है, ओ ये चिल्ला रहा है, अच्छा वो स्पॉट ज्यादा ये ले आना, अच्छा वो मेकअप ज्यादा ये ठीक नहीं, ओ शिट ओ मुझे लाइंस करनी है, ये है ओ मेरा गाउन, और काफी सारी चीजें. तो वो आता है बहुत बार ऐसे. इसके अलावा अपने आप को कूल करने के लिए, कंपोज करने के लिए क्या कुछ करते हो? आई मीन मस्ती कैसे करते हो? कोई सिंगिंग या कोई डांसिंग, चिल विद फ्रेंड्स या कुछ? बेसिकली चिल विद फ्रेंड्स तो मेरी लाइफ में उतना नहीं होता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मेरे बहुत ही कम दोस्त है, और मैं बहुत ही रिजर्व रहती हूँ. आई जस्ट हार्डली हैव 4-5 फ्रेंड्स जो मेरे भी और मेरी मॉम के भी फ्रेंड्स हैं. मेरी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट अगर आप कहें दोस्त, तो वो मेरी मॉम है. एंड आई थिंक मेरी मॉम मेरे साथ है, तो आई एम द मोस्ट कूल एंड काम एंड कम्पोज पर्सन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, या आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. Only आई listening, not singing. नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, नॉट सो गुड. और तो क्या ही, Any other मैं hobbies or? या आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल ऑफ कोर्स. नई नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम ऑल्सो अ वेरी फूडी पर्सन, सो आई लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजीन्स एंड ऑल. तो क्या यहाँ पर आप दोस्तों के साथ आए हो, यहाँ के राजमा चावल चखने का मौका मिला यहाँ पर? एब्सोल्युटली, राजमा चावल तो यहाँ के बहुत ही फेमस है और कहे जाते हैं. तो हमने सबसे पहला मील ही हमारा राजमा चावल था कतरा में, माता के वहाँ पर जाके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लोर की, जो वो लोटस स्टेम का जो कुछ एक स्टार्टर बनता है विथ हनी एंड मस्टर्ड एंड ऑल, तो वो मैंने खाया था. दैट्स रियली लवली. दिस समथिंग आई हैव एक्सप्लोर्ड ओवर हियर इन यहाँ जम्मू. पर कलाड़ी कलंगंदरू उसे नंदू कहते हैं, यस यस. कलाड़ी खाने का मौका मिला? और पनीर की एक एक होती है, हाँ वो हमने खाई थी. कैसी यस, लगी वो? इट वॉज रियली नाइस. बहुत ही ऑथेंटिक था, और वो लग भी रहा था कि वो कुछ नया ट्राई किया यहाँ का, कुछ एक स्पेशलिटी मैंने, आई हैव समथिंग एक्सप्लोर्ड ओवर हियर. अपना अगर मूड थोड़ा ऑफ हो, थोड़ा ऑफ बीट चल रहा हो, तो कैसे रिलैक्स करते हो अपने आप को कि नहीं यार चलता है, मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे कूल कैसे हाँ रहते हैं? बहुत ही चलते हैं ऐसे. तो इस टाइम पे जब ऐसा होता है, तो मैं चली जाती हूँ शॉपिंग के लिए, अदरवाइज आई वॉच सम मूवी और सम वेब सीरीज काइंड ऑफ. या तो मैं ऐसा, अगर मेरे पास टाइम है, तो मैं कहीं चली जाती हूँ ट्रैवल के लिए.
द बेस्ट थिंग। कोई गैलेक्स है वो जरूर हमारे दोस्त सुनना चाहेंगे। आप बता दीजिए कौन सा। अच्छा आई थिंक मस्ती परी का सबसे मतलब काफी उसके तो फेमस हुए थे डायलॉग्स, बट एक जो था जो बहुत ही वायरल हुआ था उस टाइम पे, दैट वाज फॉर समोसास, क्योंकि जितना मस्ती परी को समोसे पसंद है उतने ही मुझे भी पसंद है रियल लाइफ में। सो जैसे मस्ती परी तभी कहती थी कि ओ समोसे मैं भी अरे वाह अरे वाह। खाऊंगी। सो शी इज वेरी लाइक तो ये दिस। जो आपका दूसरा कैरेक्टर है वैजंती, वैजंती जी इसमें क्या थीम है उस कैरेक्टर की वैसे? वैजंती बेसिकली ये बहुत ही कहते हैं ना वो वर्ड क्या है जो हम बोलते हैं, एकदम टिपिकल बहू है वो, एकदम घरेलू संस्कारी, एकदम लीन शी टू इज या फिर वेरी, मतलब नहीं उसे काफी किसी से नर्वस है। कुछ लेना देना नहीं है, शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। वो है साउथ इंडियन, उसका नाम है वैजंती, बट उसे प्यार से वैजू भी बुलाते हैं। और उसका एसेंस यही है कि वो घर की देखभाल करेगी, वो अपने पति रुद्र की देखभाल करेगी, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस में हमारी शादी हुई थी बच्चे को संभालने के लिए, तो बच्चे को भी संभालती है प्लस पति का भी ध्यान रखती है। तो उसे और किसी चीज़ से दुनियादारी से कोई लेना नहीं, भले ही चाहे वो हस्बैंड उसका बड़ा रॉक स्टार है, ये वो कॉन्सर्ट्स होते हैं, बट वो आज तक नहीं गई है। घरेलू है काफी। शी इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ घरेलू, एकदम ही संस्कारी बहू है, वो घर वर में ही सबका ध्यान रखती है। एंड आई डोंट थिंक सो, वो जिस दिन से वो उसे घर ले आया था शादी के, वो उसके बाद वो शायद बाहर भी नहीं गई है। साथ इट्स लाइक निभाने दैट। साथिया पार्ट टू की बात करें, वहां की आप राधिका का करेक्टर है आपके पास, और कैसा लगता है जब एक एक रोना ने पहले ही मतलब जब उसका फर्स्ट पोर्शन आया था उसने घर घर में दिल में जगह बना ली हो, और उसके बाद इतना यस चैलेंजिंग रहता है एज ए आर्टिस्ट की यस आई हैव टू डिलीवर बेस्ट देन प्रीवियस वन। एब्सोल्युटली। प्रेशर तो स्टार्टिंग में बहुत ही था, क्योंकि पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ओके राधिका तो अच्छा एक नई लड़की की एंट्री हो रही है ऑपोजिट द हीरो, ओ लव इंटरेस्ट है तो अब कैसे करे, ओ शिट ये ऑलरेडी 7-8 साल शो चला है, सो इट इज़ ऑलरेडी अ ब्रांड शो। और एस्टैब्लिश्ड एक एस्टैब्लिश ब्रांड नेम के एक सीज़न 2 में जब आप जाते हो तो उसी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही चैलेंजिंग था स्टार्ट में मेरे लिए, बट स्टार्ट में उतना चैलेंजिंग नहीं लगा था जब उसके सेकेंड हाफ में, मुझे शो के 6 महीने बाद लगा था जब मेकर्स ने डिसाइड किया था कि वो राधिका को नेगेटिव में टर्न ओवर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव यू नो चबी गर्ल, उसे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न ओवर करना, स्विच ओवर करना, वो थोड़ा स्लाइट मेरे लिए चैलेंजिंग ज़्यादा रहा था। नेगेटिव करेक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा हाँ खुश जी चले जाते हैं लोग। एब्सोल्युटली। नेगेटिव में इतने सारे शेड्स होते हैं कि आपको इतना खेलने मिलता है, एक कलाकार को उभरने मिलता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, और ज़्यादातर मैंने नेगेटिव किए हैं तो आई लव डूइंग इट नेगेटिव, क्योंकि उसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। आपको अपनों के सामने पॉजिटिव भी रहने मिलते हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी रहने मिलता है, आप बैक फ्रंट भी करते हो, आप फ्रंट फ्रंट भी करते हो, सो इट्स रियली नाइस। बिहाइंड द कैमरा किन लोगों के साथ आपकी अच्छी दोस्ती, आई मीन उनके साथ एक परिवार की तरह रिश्ता रहता है, चाहे वो स्क्वाड दादा हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एडिटर हो या कुछ भी हो, उनके साथ कोई प्रोफेशनल दोस्ती कैसी है उनके साथ? ऑफ कोर्स मैंने जितने भी काम किए हैं, जितने भी शोज किए हैं, चाहे वो रीजनल में हो या ये सारे ही ओटीटी वाले हो, जो भी ब्रांड चैनल्स हैं, ब्रांड शोज जो मैंने किए हैं, मैंने मूवीज़ की है, तो हर किसी के साथ मेरे बहुत ही अच्छे बॉन्ड और अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं। प्रोफेशनल को व्हाट आई फील, मैं ज़्यादा कभी पर्सनल कर नहीं देती हूँ, बट हाँ हम जितना ही सेट पे रहते हैं ऑफ द कैमरा वी ऑलवेज बी लाइक अ फैमिली। हम अपना खाना शेयर करते हैं, हम साथ में हंसते गाते हैं, हम रील्स बनाते हैं, वी डू आर रिहर्सल्स टुगेदर, और कभी किसी को किसी की ज़रूरत भी पड़ती है तो वी आर ऑलवेज ओवर देयर। सो इट्स रियली अ वेरी नाइस यू नो फ्रेंडली कम फैमिली काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो। ये काफी अच्छी बात उन्होंने कही कि आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, प्यार भाईचारा काफी अच्छा है, लेकिन जब आप कुछ पा लेते हो और शुक्रिया अदा करते हो ऊपर वाले का कि मुझे उन्होंने ये बख्शा मतलब सिलेक्ट किया कि मैं ये कुछ कर पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ, उसके बाद एम इन लाइफ कितना नजदीक लगता है, एक ख्वाब होता है, ख्याल होता है। अगर मैं कहूंगा कि मैं इस फील्ड से हूँ, मुझे यार आई एम बिग फैन ऑफ सलमान खान, आई एम बिग फैन ऑफ कैटरीना कैफ, उनके साथ एक मौका मिले किरदार निभाने का, क्या आपके भी ऐसे कुछ डिजायर्स हैं? यस यस ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक किसी की भी जिंदगी में डिजायर्स कभी खत्म होने चाहिए, वरना तो फिर जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं है।
हाँ बट ये एक है कि हम एक बकेट लिस्ट रख सकते हैं कि दिस माय विश लिस्ट, ये। सो वैसे ऑफ कोर्स मेरी भी डिज़ायर है, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान सर, तो मैं ऑफ कोर्स उनके साथ मूवी ज़रूर करना चाहूँगी। आई डोंट नो कौन सा रोल मिलेगा, बट ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू विथ हिम। प्लस काफ़ी नोन डायरेक्टर्स है जैसे कि सुभाष गाए, संजय लीला भंसाली, आई वुड लाइक टू वर्क अंडर देम बिकॉज दे आर नॉट जस्ट द डायरेक्टर्स बट दे प्रोबेबली आर लाइफ मेकर्स। तो ऐसा कोई अच्छे लेवल का भी आई एम यू नो अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, सो लेट्स सी, होप इट हैपेंस। इन फ्यूचर अगर दोबारा आप जम्मू कश्मीर आते हो, माँ वैष्णो देवी जी आपको दोबारा बुलाते हैं, तो यहाँ पर अब क्या कुछ बाकी रह गया है जहाँ पर आप चाहते हो कि भी मस्ती बहुत सी कर पाए? टाइम की कमी थी तो हाँ इस वजह से जी नहीं हो पाई। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं जब आऊँगी तो मैं ज़्यादा टाइम लेके आऊँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें रह गई है, जैसे कि पटनी टॉप मुझे विजिट करना था, वो नहीं हो पाया है। प्लस मानसर लेक्स जो है वहाँ जाना है, और मुझे इस बार जब जम्मू आऊँ तो साथ ही साथ आई होप मुझे कश्मीर भी देखने मिले, तो मुझे कश्मीर भी जाना है। सिंस आई एम अ स्टूडेंट, लाइक आई हैव स्टडीड इन टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट नोन में से अगर गिनती हम कह सके तो दैट्स श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर, श्रीनगर, काफ़ी काफ़ी सारी जगह है। एंड आई थिंक यहाँ पे भी काफ़ी टेम्पल्स हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो वो भी आई थिंक आई विल कवर इट ऑफ नेक्स्ट ज़्यादा टाइम। एंजॉय ड्यूरिंग टूर या जर्नी किस पे आता है? आई मीन बाय बस, बाय बाइक, या फिर प्रेफर करते हो फोर व्हीलर हो? क्योंकि पहाड़ियों का मज़ा जो टू व्हीलर पे आता है जी वो अलग ही रहता है। एब्सोल्युटली। टू व्हीलर आई थिंक बहुत ही अमेजिंग होता है, जो जिन्हें यू नो सीनिक ब्यूटी ज़्यादा पसंद है, बट आई वुड प्रेफर फोर व्हीलर क्योंकि सिंस आई कम अलॉन्ग विथ माई मदर और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, हम उतने नोन भी नहीं है, तो टू व्हीलर तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मेरे लिए फीजिबल होगा, बट आई थिंक फोर व्हीलर इज़ मच मोर बेटर। आपसे ढेर सारी बातें कि आपने इतना कीमती समय में दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले कृतिका देसाई, द ग्रेट कृतिका देसाई का वो जो अरे सफर, वो जो बीच का सफर था, वो कैसा रहा? क्योंकि अगर जी मैं अपनी बात करूँ, कल को अगर मुझे कोई वीडियो या कोई कोई पसंद आ जाती, रातों रात मैं वायरल हो जाता हूँ, तो मेरे दोस्त पता क्या कहेंगे, यार अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू बड़ा इंसान हो गया, कहाँ टाइम हमारे लिए। तो ये चीजें हर एक को सुनने को मिलती है, तो वो जो हाँ आपका समय था वो कैसा रहा? नहीं, लकीली मुझे ऐसी चीजें सुनने नहीं मिली है क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे है ही नहीं। चाहे हम आई हैव अचीव्ड अ लॉट लाइक प्रोफेशनली, आज तो मैं एज एन एक्टर मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ इसीलिए इतनी जानी जाती हूँ, बट इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा लाइफ में अचीव किया था। लाइक आई हैड वर्क विद ताज, आई हैव वर्क विद इंडिगो एयरलाइंस, आई हैव वर्क विद द टॉप मोस्ट ट्रैवल एजेंसीज बिकॉज मेरी स्टडीज कम्प्लीटली सर्विस सेक्टर में थी। तो आज जब एक ये है कि एक प्राउडनेस है अपने आप पर, घमंड नहीं है, बट यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मेरी मॉम, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, दे आर रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ मी, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार तू चेंज हो गया। हाँ ऑफकोर्स दे हैव टोल्ड मी कि यू हैव ग्रूम्ड अ लॉट, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई, यू हैव बीन अ वेरी डिफरेंट कृतिका वॉट वॉट वी हैव सीन यू नो स्कूल डेज, कॉलेज डेज, तो तुम बदल जरूर गए हो लेकिन तुम अच्छे के लिए बदली हो, एंड यू मे प्रोग्रेस लाइक दिस ओनली आगे। तो हाँ हमेशा ब्लेसिंग्स मिली है मुझे तो। बालवीर की अगर मस्ती परी बनकर अपने आप में कुछ ऐसे छट करके चेंज करना हो, कुछ आप चाहो कि मैं बदलाव चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो, या लाइफ में सब कुछ दे दिया? नहीं, लाइफ ने सब कुछ तो नहीं दिया, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। एंड आई थिंक हम आखिरी सांस तक ऐसे ही मांगते रहते कि अरे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऑफ कोर्स मेरी ऐसी बहुत सारी विशेज है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्या है, बट वो जैसे जैसे पूरी होती जाएगी आई वुड बी पुटिंग अप कि नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई लिस्ट, विश लिस्ट जो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और अच्छा थैंक लगा यू। हमें, थैंक यू सो मच। और मंदिरों के शहर में आज हमें परी से मिलने का मौका मिला। वैसे भी हम यहाँ पर, हमें जब मौका मिलता है आर्टिस्टों से मिलने के लिए, कई बार पॉसिबिलिटी हो जाती है उनसे एक समय लेकर इस तरह बात करने के लिए, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट हों तो उनको ढेर सारा प्यार जो है वो हर जगह मिलता है। और मैं, मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जिस तरह इनको प्यार देते आए हो, इनके कैरेक्टर को प्यार देते आए हो, अभी इनकी जर्नी जो है वो चल रही है, और आप इसी तरीके से प्यार देते रहना, और अगली बार भी जब वो जम्मू आए तो हाँ, इनको स्नोफॉल भी दिखाएंगे, इनको जम्मू की सैर भी करवाएंगे, और कुछ चीज़ें जो फूड्स में रह गई हूँ, खासतौर पे ड्राई फ्रूट, अखरोट की बात करें, यहाँ का पश्मीना शॉल बड़ा फेमस है, यहाँ का केसर बहुत फेमस है, बहुत सी चीज़ें, आपने सब कुछ ले लिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो उनके साथ साथ
एक चीज हम भूल गए, आपको एक बड़ा खूबसूरत सा अवार्ड मिला है, आइकॉनिक फेस ऑफ द अवार्ड, मतलब 2021 का। मतलब जब इस तरह का एक बड़ा अवार्ड मिले तो कैसे, मतलब लगता है, फीलिंग क्या है, वो फील क्या है जो सिर्फ आप फील कर सकते हैं? दिस फीलिंग वॉज रियली ग्रेट एक्चुअली। मुझे जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड का टाइटल है इंटरनेशनल आइकॉनिक फ्रेश फेस ऑफ टेलीविजन 2021। सो ये हाल ही का मुझे इसी साल के लिए 2021 का फ्रेश फेस का जो अवार्ड मिला है। फ्रेश फेस इज़ अ वेरी बिग थिंग आई थिंक, क्योंकि यही फ्रेशनेस आपको आई थिंक आगे भी इसको चलाने के लिए बहुत सारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आई जस्ट होप, आई प्रे टू माता रानी, आई प्रे टू ऑल माई गॉड, एंड आई विश कि मैं उतनी ही फिट रहूँ, उतनी ही एक्टिव रहूँ, उतनी ही एंटरटेन करती रहूँ। तो ये जो है मुझे इस अवार्ड से जब सराहा गया था, आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी, एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एक तो ड्रीम ऐसा था, तो ये तो इन्होंने दिया है, बट खैर मेरा जो है मुझे लेना है नेशनल अवार्ड, नॉट इवन फिल्म फेयर, नॉट इवन आईफा, बट यस मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले, और ये अवार्ड भी इससे सम्मानित किया गया था। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट कुछ एक रिकॉग्निशन हमें मिला है, इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं, तो उसके बावजूद फ्रेश फेस मिलना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। सो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर इट और बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, तो आई जस्ट प्रे कि इसे मैं निभा सकूं आगे जाकर। वैष्णो देवी जी से कि इनको, इनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, जो सपने इन्होंने देखे हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों, और अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि फिर एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द जेके पेजेस। मुझे दीजिए इजाजत, राहुल खत्री द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहां कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहां है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन, सूट एंड साड़ी, और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर गोल्ड मार्केट गांधीनगर जम्मू, टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।